नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसटीटी के रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना का शानदार प्रदर्शन। बिहार दिवस पर बिजली कंपनी दे रही है उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। नीट नहीं करने वाले राज्य के आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी मेडिकल क्षेत्र के छात्रों की बढ़ सकती है परेशानी। रोहित शर्मा ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाया खास रिकॉर्ड। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। राज्य के तमाम होम्योपैथी, आयुर्वेद व यूनानी कॉलेजों में हुए एडमिशन की होगी जांच। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी कॉलेज में ही लिए गए नामांकनों की जांच कराई जाएगी। दरअसल नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बिना ही एडमिशन किए जाने की शिकायत मिली है, जिसके बाद इस संबंध में बिहार के कई कॉलेज की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके तहत बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय संबद्ध तीनों कॉलेज में छात्रों के नामांकन की जांच करेगा। इसके तहत पता लगाया जाएगा कि चालू सत्र में जिन छात्रों का एडमिशन लिया गया है वे नीट पास है या फिर सीधे दाखिला लिया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने होम्योपैथी, आयुर्वेद व यूनानी कॉलेजों को पत्र भेजकर लिस्ट के साथ सभी छात्रों के नीट के कागजात भी मंगाए हैं। आपको बता दें कि सूबे बिहार के तमाम होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज बीआरए, बिहार विश्वविद्यालय से ही संचालित होते हैं। इसके अंतर्गत राज्यभर में 20 कॉलेज आते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ ने असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनर सिविल, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, मेंटेनर S&T के कुल मिलाकर 292 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री, ITI से संबंधित ट्रेड में 10वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट lmrcl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने दे दिया एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट जारी करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,335 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने बीते वर्ष लिए गए एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर से रोक हटा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने सितंबर 2020 में एसटीईटी की ऑनलाइन परीक्षा ली थी, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों के पूछे जाने के आरोप कई छात्रों ने लगाए थे और काफी हंगामा भी किया था, जिसके बाद कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। मगर बीते दिन गुरुवार को सुनवाई कर कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा को सही ठहराया है और जल्द ही रिजल्ट जारी करने का भी आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार बोर्ड को भविष्य में होने वाली एसटीईटी के लिए सिलेबस बनाने का निर्देश भी दिया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन रूट से 36 ट्रेनों को कर दिया गया रद्द। मुजफ्फरपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली 36 ट्रेनों को 17 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 19 ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाए जाएंगे। दरअसल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। RRI का काम पूरा हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन अत्याधुनिक रूप से होने लगेगा। CPRO राजेश कुमार ने इस संबंध में बताया कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 3 मार्च से 19 मार्च तक प्री NI और NI का काम होना है। इसी कारण ट्रेनों को रद्द करने व बदले रूट से चलाए जाने की तैयारी है। रद्द की गई ट्रेनें पटना आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता अहमदाबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल, हावड़ा समेत अलग अलग स्टेशनों से चलाई जाने वाली हैं, जबकि कई ट्रेनें बदले मार्ग व आंशिक रूप से समापन व प्रारंभ के साथ रीशेड्यूल होगा। बिहार बना जमीन से जुड़े सभी मामलों को ऑनलाइन कराने वाला पहला राज्य। जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित हर काम को ऑनलाइन कराने के मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में राज्य के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी है। इसके तहत मंत्री ने कहा कि आम लोगों को इस प्रक्रिया से काफी फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही दस्तावेजों के डिजिटल तौर पर काम होने से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग में आए 78% से अधिक मामलों पर कम ही समय में निपटारा हो गया है। 2 मार्च तक 7.5 लाख लोगों ने सुधार के लिए आवेदन दिए थे, जिसमें 4.5 लाख से ज्यादा मामलों का समय पर निपटारा हो गया है। बता दें कि इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 12 अरब रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राम गोपाल बजाज के बारे में। बिहार के दरभंगा जिले में जन्मे राम गोपाल बजाज इंडियन थिएटर के डायरेक्टर, एक हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के सदस्य रहे थे, जिसके बाद 1995 से 2001 तक वे NSD के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उन्हें वर्ष 2003 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही थिएटर में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 1996 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना को मिला 33वां स्थान। बीते दिन केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी रहने के लिए सुलभ शहरों की सूची जारी की है,
जिसके अनुसार पटना ने इस मामले में बड़ी छलांग लगाई है। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों की लिस्ट में पटना को रहने के लिए सहज बताते हुए 33वां स्थान मिला है, जबकि इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नासिक, यूपी के मेरठ, आगरा, बरेली, एमपी के जबलपुर, राजस्थान के कोटा, झारखंड के रांची, धनबाद और पंजाब के अमृतसर जैसे शहर को पटना ने पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में पटना 109वें नंबर पर था, जबकि इस बार 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में बेंगलुरु ने पहला स्थान पाया है। पटना में कल से होगी बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 और 7 मार्च को आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल करेंगे। इस दौरान दिन के 2:30 बजे बैठक की शुरुआत होगी। इस 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक में बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार भाजपा के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी सहित केंद्र और प्रदेश के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पार्टी के कार्यों और जिम्मेदारियों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जानी है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, सांसद, विधायक और विधान पार्षद भी हिस्सा लेंगे। 22 मार्च तक मनाया जाएगा नीतीश कुमार का जन्म दिवस पखवाड़ा। जनता दल यूनाइटेड ने राज्य सरकार के विकास कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बिहार दिवस तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है। इसके तहत अभियान चलाकर सीएम द्वारा चलाए गए विकास कार्यों को लोगों को गांव-गांव तक जाकर बताया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता इस दौरान बूथों में, पंचायतों में पहुंचकर आम लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही योजनाओं के लाभ को लेकर भी जागरूक करेंगे। इसके तहत अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार दिवस तक 7 निश्चय 2 और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परिवहन सवारी गाड़ी योजना, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना, नल जल योजना, नली गली पक्कीकरण योजना आदि की जानकारी देगा। इसकी शुरुआत गया के औराई प्रखंड से कर दी गई है। तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी को हाईकोर्ट से मिली चुनौती। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व राजद विधायक तेज प्रताप यादव को चुनाव के उम्मीदवारी को लेकर एक चुनौती कोर्ट में दी गई थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही चुनाव याचिका में उठाए गए सवालों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस चुनाव याचिका में लालू यादव के बेटे व हसनपुर से राजद विधायक तेज प्रताप यादव पर आरोप है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही सही और पूरा ब्यौरा नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी ते हुए तेज प्रताप यादव सहित सभी प्रतिवादी को नोटिस जारी किया है। इस पर सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि यह याचिका जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने दायर की थी। 23 मार्च से नया बिजली कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी मनी होगी माफ। बिहार दिवस पर साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आम लोगों को राहत की एक नई सौगात देने जा रही है। इसके अनुसार 23 मार्च से राज्य के उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। यह बात की जानकारी गुरुवार को बिजली दर की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर जन सुनवाई के दौरान साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने दी है। इसके मुताबिक पोस्टपेड मीटर हटवाकर स्मार्ट मीटर लगवाने वाले सभी उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी वापस की जाएगी। वहीं बिहार दिवस से नया कनेक्शन लेने वालों से कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी। सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। इसके दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अब तक राज्य में 1,40,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। बिहार में छिड़ी कोरोना वैक्सीन पर सियासत। बिहार में कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज में 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तहत सीएम, डिप्टी सीएम सहित बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने अब तक टीका लगवा लिया है, मगर विपक्ष के नेता इस दौरान राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ऐसे में विशेषज्ञ और डॉक्टर से राय लेने के बाद ही वैक्सीन को लेने या नहीं लेने पर विचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने भारत निर्मित वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि आखिर क्या कारण है कि टीका लेने के बाद भी लोगों की मौत हो रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता ने कहा कि आज पूरी दुनिया को भारत वैक्सीन दे रहा है, लेकिन विपक्ष को भारत का विकास सूट नहीं कर रहा है। नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक में पटना को मिला 16वां रैंक। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने पहली बार देश भर के 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 51 नगर निगमों का प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। इनमें 5 श्रेणियों में निगमों को प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिए गए हैं, जिसमें पटना नगर निगम को 16वां स्थान मिला है। इसके तहत योजना बनाने की श्रेणी में पटना नगर निगम फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। निगम को सबसे ज्यादा योजना पर 100 में से 60% अंक मिले हैं। वहीं टेक्नोलॉजी के मामले में नगर निगम फेल हो चुका है, जिसमें
20% ही नंबर मिले हैं। इसके अलावा पटना नगर निगम को अभी वित्त सेवा और गवर्नेंस देने के मामले में भी काफी कुछ करना है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में इंदौर का प्रदर्शन सबसे अच्छा होने पर उसे पहला स्थान मिला है। रोहित शर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने नाम खास रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। इस रिकॉर्ड के तहत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले वह दुनिया के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं ओवरऑल की बात करें तो वह छठे ऐसे बल्लेबाज हैं जबकि महज दूसरे भारतीय हैं। रोहित से पहले भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1000 रनों का आंकड़ा पूरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में ओवरऑल 10वें नंबर पर हैं। सारा अली खान ने केक के जरिए बताया भाई की पसंद। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने भाई और सैफ के बेटे इब्राहिम के बर्थडे पर आज एक खास तरह के पर्सनलाइज्ड केक बनवाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह केक चेल्सी फुटबॉल टीम पर है, जिसके साथ ही सारा ने यह मैसेज लिखा है कि मुझे मेरे भाई से प्यार है। दरअसल इस केक के जरिए सारा ने बताया कि उसके भाई को बॉलीवुड नहीं बल्कि फुटबॉल से प्यार है। सारा और इब्राहिम के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और अक्सर ही दोनों साथ में वैकेशन, डिनर्स, डेट और मूवी आउटिंग पर साथ नजर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार जमीन से जुड़े कामों को ऑनलाइन करने से आम लोगों को फायदे मिलेंगे या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।